आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फेस्टिवल स्पेशल वेज थाली की रेसिपी। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, फेस्टिवल आते ही हमें लगता है कि इस बार थाली में हम क्या स्पेशल बनाएं कि घर में सभी को पसंद आए। तो आज मैंने आपका काम आसान कर दिया है। एक ही ग्रेवी के साथ हम तैयार करने वाले हैं दो सब्जियाँ, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं स्वादिष्ट स्पेशल थाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थाली की तैयारी करने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्जियों की चॉपिंग कटिंग करके रखी हुई है। सबसे पहले हम एक ग्रेवी तैयार करेंगे। एक ही ग्रेवी से आज हम दो सब्जियाँ जो है वो तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 5 से 6 प्याज लिए हैं जिनको रफली कट किया है, एक साबुत लहसुन ले लिया था, अदरक लिया है, हरी मिर्चें ली हैं दो, उनको भी कट करके रखा हुआ है। बाकी मैंने फ्राइड राइस के लिए भी कटिंग करके रखी हुई है, टमाटर हैं, गोभी के पीसेस कट करके रखे हुए हैं और आलू कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने रख दी कढ़ाई, उसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल। 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें है दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 2 लौंग, 1 हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा जायफल। इनको 1-2 मिनट के लिए ऐसे भून लेना है। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे रफली कट किया हुआ प्याज, 5 से 6 प्याज लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और साथ में ही डाल दिया मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। इनको सभी को हमने कुक करना है, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से इसे चला लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्याज सॉफ्ट हो गया था, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने। सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे थोड़े से, 1/2 चम्मच डाल दिए मैंने यहाँ पर नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया यहाँ पर हल्दी का। बस ये 3 ही मसाले डालने हैं अभी इस टाइम पे, उसके बाद में जब हम सब्जी बनाएंगे बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको कुक करना है एकदम सॉफ्ट होने तक। तो अब इसको मैं थोड़ा सा चला देती हूँ, आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट होने लगा है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं कि अच्छे से जो है ये पक जाए। तो उसके बाद में हम इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मिक्स कर दिया मैंने पानी डालने के बाद में, और 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे इसको मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने गैस कर दिया ऑफ़, इसको ठंडा करने के बाद में मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था इसको ठंडा होने के बाद में, आप देख सकते हैं। अब इसी से हम जो है सब्जियाँ तैयार करेंगे पनीर की और आलू गोभी की। तो यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 4 से 5 चम्मच देसी घी, घी में बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी। और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा 1/2 चम्मच, उसमें डाल दिया मैंने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक हमने मसाले में भी याद डाला था, याद रखिएगा। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेगा। यहाँ मसाले डालते वक्त मैंने गैस ऑफ कर लिया था कि मसाले जले नहीं। अब हमने जो ग्रेवी तैयार करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे हम। अब गैस कर लिया मैंने ऑन और मसाले को अब हमें कुक करना है, और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा पहले से ही पका हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मसाले को और अच्छे से पकाने के लिए और ग्रेवी को सेट करने के लिए। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा पानी डालकर कर सकते हैं। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए और इसमें मैंने ऐड किया है टमाटो सॉस 1 बड़ा चम्मच, और साथ में ही ऐड कर देंगे यहाँ पर पनीर। पनीर को मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट किया है। पनीर आप अपनी पसंद से छोटे बड़े कैसे भी क्यूब्स में कट करके डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी के साथ में ही इस तरह से, और इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए ढक के। उसके बाद में एक बार फिर से दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे ढक्कन हटाकर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर, वाइट बटर का यूज़ किया है मैंने, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें साथ में ही डाल देंगे कसूरी मेथी, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। और इसमें डाल देंगे धनिया ऊपर से, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए फिर से ढकेंगे। और 2 मिनट के बाद ये देखिए सब्जी में कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो पनीर मसाला बनकर तैयार है। तो अब हम बनाते हैं आलू गोभी। तो आलू गोभी के लिए ले लिया मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल,
और सबसे पहले हम गोभी को फ्राई करेंगे। गोभी को इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया था। गोभी को धोकर अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ऑयल में डालने से छींटे काफ़ी उठते हैं, वो आपको नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इसको फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें गोभी को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है गोभी के ऊपर, और इसको अब मैं निकाल लूँगी। बस इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है बस। और इसी तरह से हम आलू को भी फ्राई करेंगे। तो सारी गोभी को मैंने फ्राई करके इसी तरह से निकाल लिया था, और यहाँ पर देखिए आलू के पीसेस जो है मैंने इस तरह से कट किए हैं, लंबाई में ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, आप अपनी पसंद से आलू को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आलू भी डाल दिए हैं उसी ऑयल में। इसको भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई करना है, और फ्राई करके हम आलू को भी निकाल लेंगे गोभी के साथ में ही। तो यहाँ पर देखिए आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब ऑयल मैंने थोड़ा कम कर दिया था, ऑयल में डाल दिया मैंने ज़ीरा, बाकी सूखे मसाले, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। गैस मैंने ऑफ़ कर लिया था पहले, अब मैं गैस ऑन करूँगी मसाला डालने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने ग्रेवी इसमें ऐड की है, जो ग्रेवी हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, अब इसी ग्रेवी के मैंने यहाँ पर 4 चम्मच जो है डाल दिए हैं मसाले में, सूखे मसालों में। और फिर इनको हमने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है मसाले को। उसके बाद में हम इसमें आलू और गोभी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। इस तरह से आलू गोभी का टेस्ट जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल आता है, आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये आलू गोभी की सब्ज़ी। और देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम बिल्कुल स्लो गैस पर 5 से 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे गोभी को बनते हुए, तो देख सकते हैं कि आप कितना प्यारा कलर आ गया है गोभी पे, बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया उसने, और एकदम बढ़िया से आलू गोभी मसाला हमारी बनकर तैयार है। इसमें भी धनिया डाल देते हैं। अब हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, इसको भी डिश में निकाल लेते हैं। और अब बनाते हैं पुलाव। पुलाव के लिए लिया है मैंने यहाँ पर बटर, बटर गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच जीरा, और साथ में डाल दिया चॉप किया हुआ प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया मैंने, एक प्याज को मैंने कट करके रखा था, और इसको हल्का सा सॉटे करेंगे हम, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर, एक गाजर ली थी इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और 4 बड़े चम्मच लिए मैंने मटर, मटर जो है मैंने फ्रेश लिए हैं, इसलिए मैंने गाजरों के साथ में ही इनको सॉटी किया पहले कि थोड़े हल्के से सॉफ्ट हो जाएं ये। और साथ में ही डाल दिया 4 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न, 1 शिमला मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है। सभी सब्जियों को एक बार चला लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद में सूखे मसाले ऐड करेंगे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से हमें चला लेना है 1-2 मिनट के लिए अच्छे से। आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं सब्जियों के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप बॉयल्ड राइस। राइस को मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, सिंपल वाइट बॉयल्ड राइस है। अब इनको बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मसालों के साथ में फ़ोल्ड करना है। हल्के हाथों से फ़ोल्ड करिएगा कि जिससे कि चावल का दाना जो है वो टूटे नहीं, आपके चावल जो है बिल्कुल एकदम खिला खिला पुलाव बनकर तैयार होगा। 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं कि जिससे कि चावल में सारे फ्लेवर्स आ जाएं मसालों के और सब्जियों के। तो 5 मिनट हो चुके थे, चावल भी बनकर हमारे रेडी हो गए हैं, बस अब हम थाली लगाने की तैयारी करेंगे। तो चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तो यहाँ पर थाली भी मैंने लगा दी है, और साथ में रख दी हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो लीजिए तैयार है हमारी वेज थाली, एकदम आसान से बनने वाली स्वादिष्ट सी वेज थाली। साथ में मैंने रखी है मिठाई बालूशाही और बर्फ़ी। बालूशाही की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। साथ में है रायता, आलू गोभी मसाला और पनीर मसाला, सैलेड और पुलाव, और साथ में पूड़ी। और इतनी स्वादिष्ट ये थाली बनकर तैयार होती है, फैमिली के साथ साथ घर में आने वाले मेहमान भी आपकी इस थाली की तारीफ़ करेंगे खाकर। तो अब आपने इस फेस्टिवल इस तरह से वेज थाली ज़रूर बनानी है घर पे, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। मैं आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।